हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ पावर पर टू वॉट मीटर मेथड। मेजरमेंट ऑफ पावर की अगर हम बात करें, जिसमें हम टू वॉट मीटर मेथड को यदि यूज में लेकर मेजरमेंट करते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। अगर आपके एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन बनता है कि मेजरमेंट ऑफ पावर पे बेस्ड, तो डेफिनेटली 99.99% है वो आपसे टू वॉट मीटर मेथड ही पूछेगा। तो ये टू वॉट मीटर मेथड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन होता है कि ये टू वॉट मीटर मेथड हमारा स्टार हो चाहे डेल्टा हो, दोनों कंडीशन में काम आता है, चाहे सिस्टम बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो। और ये सारी बात पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। आज की वीडियो में हम कंप्लीट टू वॉट मीटर मेथड के थ्रू या टू वॉट मीटर की हेल्प से टोटल पावर का मेजरमेंट भी कवर करेंगे और इसका फेजर डायग्राम जो बच्चों को बड़े परेशान करता है उसको भी हम कवर करते हुए पावर फैक्टर को भी कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है, एंड यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, मेजरमेंट ऑफ पावर बाय टू वॉट मीटर मेथड। चलिए अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर में, तो पावर मेजरमेंट के लिए टू वॉट मीटर मेथड कौन से पावर के लिए मेजरमेंट में काम आता है? सर जी, थ्री फेज पावर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर थ्री फेज पावर के लिए मेजर करने के लिए हम एक थ्री फेज सर्किट डिजाइन करते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, एक थ्री फेज नेटवर्क है। क्या है, थ्री फेज नेटवर्क है, आर वाई बी। इन तीनों वाइंडिंग्स को हमने करंट से कर दिया, इसको कर दिया आर फेज से, ये हो गया वाई फेज और ये हो गया हमारा बी फेज। यहां तक का क्लियर है क्या? लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज हम लिखेंगे इन द टू वॉट मीटर मेथड, पॉइंट्स प्रॉपर वे में नोट डाउन कर लेना है। इन द टू वॉट मीटर मेथड फोर मेजर द थ्री फेज पावर, फोर मेजर द थ्री फेज पावर, वी यूज द टू वॉट मीटर्स। क्या यूज में लेंगे, टू वॉट मीटर्स। चलिए ये हमने फर्स्ट वॉट मीटर यहां कनेक्ट कर दिया एंड सेकेंड वॉट मीटर हमने यहां कनेक्ट कर दिया आर फेज से और वाई फेज से। वी यूज द टू वॉट मीटर्स डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू फोर मेजर द टोटल पावर, फोर मेजर द टोटल पावर। क्लियर है? अब आप ऑब्जेक्ट लिए, ये हमारे पास कोइल वन है, ये किससे कनेक्टेड है, आर फेज से, ये किससे कनेक्टेड है, वाई, ये किससे कनेक्टेड है, बी फेज। जैसे इसको आर कोइल से करंट किया, यहाँ पे डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा, कौन सा करंट, आई आर। यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो करेगा, आई वाई। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा हमारे पास आई बी। जब ये पर्टिकुलर आई आर हमारा करंट जब इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में फ्लो करेगा, तो इस फर्स्ट वाइंडिंग के थ्रू या कोइल के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हो गया वी आर। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका वी वाई एंड ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया हमारे पास वी वी प्लस और माइनस। इतना क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं वोट मीटर्स की। वोट मीटर करता क्या है? सर वोट मीटर में हमने पढ़ा था इट मेजर्स द करंट थ्रू द करंट कोइल एंड पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल कोइल। अगर हम W1 की बात करते हैं, तो सर W1 की जो करंट कोइल है वो तो मेजर कर रही है IR, बट इसकी पोटेंशियल कोइल का थर्ड पॉइंट कहां कनेक्ट करें और इसका पोटेंशियल कोइल का भी सेकंड पॉइंट को हम कहां कनेक्ट करें? तो थ्री वॉट मीटर मेथड में हमें एक पॉइंट अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसको किससे कनेक्ट किया था, न्यूट्रल से। जबकि यहाँ पर टू वॉट मीटर मेथड में हमारे पास पोटेंशियल कोइल की सेकेंडरी कोइल को कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी एक पॉइंट अवेलेबल है, कौन सा, फेस जो थर्ड नंबर का जो अलोन है। तो हमने क्या करा, पोटेंशियल कोइल को बी फेस के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो सर डेफिनेटली जब हम इसे अगर इसको डेल्टा लोड में कन्वर्ट करते, तो डेल्टा में भी टू वॉट मीटर में हमें एक फेस मिलता है,
मतलब हम डेल्टा लोड के लिए भी, हम डेल्टा लोड की कंडीशन पे भी टू वॉट मीटर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक क्या क्लियर है? सर देखते हैं आगे क्या करना है। सर टू वॉट मीटर मेथड में वॉट मीटर मेजर करेगा पावर को, पावर मतलब वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स को। तो ये जो W1 वॉट मीटर है ये तो करंट मेजर कर रहा है IR, पर पोटेंशियल डिफरेंस किसका मेजर करेगा? बिटवीन द R एंड V, मतलब आपका यहां से R फेज और B फेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना है V R B, R और B फेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V R B, एंड W2 क्या मेजर करेगा Y एंड B। तो हम ये लिख सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V by B। ये बन गया इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम किसका, टू वॉट मीटर मेथड का। यहां तक का क्लियर है? सर्किट डायग्राम कवर हुआ। अब बात आती है, सर्किट डायग्राम तो क्लियर हो गया लेकिन इसका अगर हमें प्रॉपर एनालिसिस करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? इसके फेजर डायग्राम की। तो अब आप समझिए फेजर डायग्राम बनाने का प्रॉपर तरीका। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें तीन फेज गिवन है R, Y एंड B। हमने बनाया यहाँ पे सबसे पहले R फेज, ये हमारा क्या है V R, ये हमने बनाया यहाँ पे Y फेज V Y, और ये बनाया हमने यहाँ पे B फेज V और B। चलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इक्वल लगे ताकि V R यहाँ पे दिख रहा है। और थ्री फेज, तीनों फेज हमारे क्या दिख रहे हैं 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली शिफ्टेड VR, VY एंड VB। आपको इन तीनों की लेंथ को सेम रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये हमारा बैलेंस सिस्टम है और बैलेंस सिस्टम में मैग्नीट्यूड तीनों फेज का क्या रहता है? सेम। चलिए VR, VY एंड VB। अब बात करते हैं सबसे पहले वॉट मीटर वन की। किसकी बात करें? वॉट मीटर फर्स्ट। वॉट मीटर वन क्या मेजर कर रहा है? IR। तो तीनों फेज में हमारे पास करंट भी तो फ्लो कर रहा है। चलिए इस फेज का जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने अज्यूम किया ये कितना है आई आर, ये जो करंट है ये कितना है आई बी, और ये जो हमारा करंट है ये हमारा क्या है आई वाई। चलिए यहां तक का क्लियर हो गया। तीनों का फेज डिफरेंस कितना है अज्यूम कर लेते हैं फाई फाई एंड फाई। चलिए यहां तक का क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि डब्ल्यू वन हम लिखते हैं फोर वॉट मीटर डब्ल्यू वन। वॉट मीटर वन मेजर्स द करंट आई आर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड बी, और आर बी को हम क्या लिख सकते हैं वी आर बी इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी। क्या लिखेंगे? वी आर बी इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी। अब आती है यहाँ पे वेक्टर्स, वी आर बी मीन्स वी आर ये रहा, बट माइनस का वी बी का है अवेलेबल नहीं है। तो फेजर डायग्राम में क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे VB है हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड पे एक्सटेंड कर देते हैं। ये लीजिए सर कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारे VB को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये बन गया हमारा माइनस का VB। यहां तक विजिबल है? ओके। एक टोटल एंगल कितना था? चलिए टोटल एंगल 120 था, इसमें से बीच में से एक लाइन चली गई मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ओके हमें माइनस वीबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, लाइन वोल्टेज कितना है वीआरबी, मतलब वीआर एंड माइनस वीबी का वेक्टर सम। तो वीआर की डायरेक्शन में वीआर को एक्सटेंड किया, वीबी की डायरेक्शन में वीबी को एक्सटेंड किया, और ये जिस पॉइंट पे हमें मीट कर रहे हैं ये हमारा बन गया लाइन वोल्टेज, कौन सा वीआरबी, वीआरबी आएगा कुछ समझ में। ओके अब ये पूरा 60 था, इसके मिड में से एक लाइन गई मतलब ये एंगल हमारा कितना मिल गया सर जी 30 डिग्री। वोल्ट मीटर वन क्या मेजर कर रहा है? वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है आई आर एंड वी आर बी, आई आर एंड वी आर बी। तो इन करंट एंड इस वोल्टेज के बीच का टोटल एंगल कितना मिल गया सर? टोटल एंगल मिल गया 30 प्लस 5। यहां तक का क्लियर हुआ? देन चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें W2 की, वॉट मीटर W2 की, तो जब हम W2 की बात करेंगे तो ये करंट कौन सा मेजर कर रहा है? आई वाई, बिल्कुल सा विजिबल है। एंड
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी वाई बी, वी वाई बी को आप क्या लिखेंगे, हम वी वाई बी को लिखेंगे वी वाई माइनस वी बी, तो माइनस वी बी तो अवेलेबल है, अब हमें क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है वी वाई एंड वी बी का। तो चलिए वी बी की डायरेक्शन वी बी को एक्सटेंड करा, वी बी की डायरेक्शन वी बी को एक्सटेंड किया, वी वाई की डायरेक्शन वी वाई को एक्सटेंड किया, और ये दोनों पॉइंट जहां पर आपके मीट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम पास करें या ज्वाइन करें तो ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन वी वाई बी। इसका वोल्टेज वो पोटेंशियल जो हमारा डब्ल्यू टू मेजर कर रहा है, और अब वी वाई बी एंड आई वाई के बीच का एंगल कितना मिलेगा, अच्छा ये टोटल कितना है 30, ये कितना है 5, तो 30 में से 5 कैंसिल आउट, तो हमें ये जो रिमेनिंग बीच में बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज जो एंगल मिलने वाला है वो एंगल कितना मिलेगा 30 माइनस 5, और ये हमें क्या ऑब्टेंड हो गया, फेजर डायग्राम किसका, टू वॉट मीटर मेथड का, फेजर डायग्राम ऑफ द टू वॉट मीटर मेथड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट भी आता है, और इसको एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, इसका पैटर्न क्या है, क्या टेक्निक यूज में ली जाती है, वो भी हमने प्रॉपर वे में देख लिया है। तो एक बार आप इसको देखिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉपर एनालिसिस को। अब इस सर्किट डायग्राम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, चलिए अब पूरा एनालिसिस किससे होगा, फेजर डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ पावर, मेजर पावर का एनालिसिस करते हैं कि हमारा वोल्टमीटर कितना पावर को मेजर करेगा। हमने पढ़ा है कि जो वोल्टमीटर पावर मेजर करता है उसका क्या बोलते हैं, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग। टू वॉट मीटर है तो दोनों वॉट मीटर के रीडिंग का सम क्या देगा, हमें टोटल पावर देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि फोर वॉट मीटर वन किसकी बात कर रहे हैं, वॉट मीटर फर्स्ट की। पोटेंशियल मेजर कितना है वॉट मीटर वन का, वी आर बी। करंट मेजर कितना है वॉट मीटर वन का, करंट मेजर सर जी करंट मेजर है इसका आई आर। एंगल कितना है, एंगल को क्या बोल सकते हैं, फेज एंगल। हमारा फेज एंगल कितना आ रहा है यहां पर 30 प्लस 5। वी आर बी और आई आर का बीच का एंगल कितना है 30 प्लस 5। नाउ रीडिंग ऑफ वॉट मीटर वन, नाउ रीडिंग ऑफ वॉट मीटर वन रीडिंग क्या हो जाएगी, डब्ल्यू वन इक्वल्स टू पोटेंशियल वी आर बी करंट आई आर कोस 30 प्लस 5, इक्वेशन नंबर वन। कहते का क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब बात करते हैं किसकी, वॉट मीटर टू की। तो हम लिखेंगे सिमिलरली फोर वॉट मीटर टू, सिमिलरली फॉर वॉट मीटर टू डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर वोल्टेज मेजर है वी वाई बी, करंट मेजर हमारा है आई वाई, एंगल हमारा है कोस 30 माइनस 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। हमें यहाँ पे वॉट मीटर दो तो टू वॉट मीटर है, W1 एंड W2 दोनों की रीडिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें चाहिए टोटल पावर, तो क्या लिखेंगे, नाउ टोटल एक्टिव पावर मेजर। टोटल कितनी एक्टिव पावर मेजर होगी, तो हम लिखेंगे टोटल पावर होगा वो होगा हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ रीडिंग ऑफ टू वॉट मीटर्स। W1 की भी रीडिंग लिखिए, P इक्वल्स टू वी आर बी आई आर कोस 30 प्लस 5,
डब्ल्यू टू की वैल्यू लिखिए वी वाई बी आई वाई कोस 30-5। यहां तक का क्लियर हुआ? ये हमारे पास किसे मिल गया थर्ड टोटल एक्टिव पावर। देन अब आप ऑब्जर्व करिए, हमने लिखा था कि टू वॉट मीटर मेथड इज सुटेबल फॉर बोथ स्टार एंड डेल्टा लोड, जो हमने ऑलरेडी समझा दिया था सर्किट डायग्राम में। आल्सो यूज आइदर द सिस्टम बैलेंस और अनबैलेंस, चाहे सिस्टम आपका बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, बोथ कंडीशंस में हमारा टू वॉट मीटर मेथड काम आता है। तो आप ऑब्जर्व करिए इस इक्वेशन से, यदि हमारे पास सिस्टम अनबैलेंस है, कैसा है, अनबैलेंस कंडीशन में है, तो वहां पे डेफिनेटली जो फेज के वोल्टेजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे और करंट के वैल्यूज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यदि वोल्टेज डिफरेंट हो चाहे करंट डिफरेंट हो, हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ जाएगा टोटल कितनी पावर मेजर हो रही है। तो ये वाली इक्वेशन किसको जस्टिफाई करती है, जब सिस्टम हमारा कैसा हो, अनबैलेंस। बट प्रॉपर डेरिवेशन यदि हमें कवर करना है या एग्जैक्ट फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हम कंडीशन कौन सी लेके चलेंगे, बैलेंस। इतना क्लियर है? तो चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फॉर द बैलेंस सिस्टम। आइए, कुछ अजम्पशन है, वो क्या होता है, हमें पता है कि फॉर ए बैलेंस सिस्टम, बैलेंस सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, बैलेंस सिस्टम की कंडीशन होती है कि हमारा जो लाइन वोल्टेज है वी आर बी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वी वाई बी के इक्वल, किसके, लाइन वोल्टेज के। एंड हमारा जो करंट है आई आर, जो किसके इक्वल है, आई वाई के, ये किसके इक्वल होना चाहिए, लाइन करंट बोल सकते हैं या फिर फेज करंट, क्योंकि थ्री हमारे पास स्टार लोड में लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट हमारा सेम होता है। ये पैरामीटर हमने ऑलरेडी ड्राइव कर रखा है सेकेंड यूनिट पे एसी सर्किट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहां तक का है, अगर ये दोनों कंडीशन अगर हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करते हैं तब क्या होगा, तो देखिए ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर थ्री, इन दोनों पैरामीटर को पुट करते हैं तो लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर थ्री टोटल पावर इक्वल्स टू, ये हो गया वी एल आई एल, वी एल आई एल उम्र निकाल दें, वी एल आई एल क्या बच रहा है, बचेगा हमारा कोस 30+5+cos 30-5। यहां तक का क्लियर हुआ? चलिए अब इस फेज डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, फेज डायग्राम को भी रफ कर देते हैं। चलिए P इक्वल्स टू वी एल आई एल कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, इसको करते हैं प्लस cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो, p इक्वल्स टू वी एल आई एल टू टाइम्स ऑफ cos 30 डिग्री cos 5, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल पावर हमें मिलेगी √3 VLIL cos 5। और यही तो होता है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या एग्जैक्ट फॉर्मूला, किसका, टोटल पावर का, जिसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पावर मेजर बाय यूजिंग द टू वॉट मीटर मेथड। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन हमारा टोटल पावर किस तरह से मेजर होती है टू वॉट मीटर में, वो हमारा क्लियर हो गया। कितना क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि सब पावर के साथ साथ आपके एग्जाम्स में पुटअप होता है इसका फेज एंगल का फॉर्मूला, या हम बोल सकते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला। तो वो कैसे करना है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक का कंप्लीट करिए, फिर देखते हैं आगे पावर फैक्टर की ओर।
एनालिसिस फोर पावर फैक्टर बाय टू वॉट मीटर मेथड, टू वॉट मीटर मेथड, टू वॉट मीटर मेथड की हेल्प से पावर फैक्टर का कैसे एनालिसिस करना है, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहली बात, अभी हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही थी, W1 equals to VL IL cos 30 plus 5, W2 की वैल्यू क्या आ रही थी, VL IL cos 30 minus 5, ये इक्वेशन फर्स्ट आ रहा था, ये इक्वेशन हमारा सेकंड ऑप्टेंड हो रहा था, एंड टोटल पावर जो हमारे पास कैलकुलेट हो रही थी P, उसकी वैल्यू आ रही थी रूट 3 VL IL cos 5, जो क्या इंडिकेट करता था W1 प्लस W2 इक्वेशन नंबर 4 हमने कैलकुलेट कर रखा है या ड्राइव कर रखा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की यदि हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप याद रखिए कि cos phi इक्वल्स टू cos tan इनवर्स रूट 3 W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका, पावर फैक्टर। अब चलिए इस पे अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो सबसे पहले हमें W2 प्लस W1 की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी अवेलेबल है, किसकी जरूरत है W2 माइनस W1 की, तो क्या लिखेंगे y फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, y इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, चलिए W2 माइनस W1 इक्वल्स टू, W2 कितना है VL IL कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से VL IL कॉमन हो गया, बचेगा क्या cos 30 माइनस 5 माइनस cos 30 प्लस 5, चलिए सोल्व करते हैं, W2 माइनस W1 इक्वल्स टू VL IL cos A माइनस B, cos A cos b plus sin a sin b, माइनस का साइन यहां लिखते हैं, cos a cos b minus sin a sin b, साइन किसका लग रहा है बार माइनस का, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ये पॉजिटिव की एंटायर वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, बिल्कुल सिमिलर जो हमने पावर में किया था, तो W2 माइनस W1 की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी VL IL 2 टाइम्स ऑफ sin 30 डिग्री sin 5, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहां पे W2 माइनस W1 मिलेगा Only VL IL sin 5, इक्वेशन नंबर 5th, 4th तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5th मिल गया, अब क्या करना है हमें ये देखना है इसका डेरिवेशन करने का सबसे लाजवाब तरीका, फॉर्मूला याद है तो डेरिवेशन अपने आप चलता रहेगा, कुछ नहीं करना है, देखते रहो करते रहो, देखते रहो करते रहो, हमने W2 minus W1 की जरूरत थी कर लिया, W2 plus W1 already get, अब क्या करना है अब हमें करना है इसमें डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड इसमें किसका इक्वेशन नंबर 5 किससे y इक्वेशन नंबर 4, कर देते हैं सर जी W2 माइनस W1 इक्वल्स टू W2 प्लस W1 VL IL sin 5 अपॉन रूट 3 VL IL cos 5, कैंसिल 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 कैंसिल, ये जो रूट थी डिवाइड में जाएगी मल्टीप्लाई हो गया sin बटा cos tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3 इधर आ गया रूट 3 ब्रैकेट W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1, यहां तक का क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अरे अब बात करते हैं कि सर हमें चाहिए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है cos phi, ये phi चाहिए, तो ये tan इधर से उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव,
तो हम क्या लिखेंगे, फाइ इक्वल टू कितना हो गया, फाइ इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री डब्लू टू माइनस डब्लू वन अपॉन डब्लू टू प्लस डब्लू वन। यहां तक का क्लियर हुआ? फाइ की वैल्यू ऑब्टेन होती है, हमें क्या चाहिए, पावर फैक्टर। तो क्या लिखेंगे, नाउ द पावर फैक्टर, नाउ द पावर फैक्टर कोस फाइ। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाइ। कोस फाइ कितना हो जाएगा, कोस टेन इनवर्स रूट थ्री डब्लू टू माइनस डब्लू वन अपॉन डब्लू टू प्लस डब्लू वन। और ये हमें मिल गया एग्जैक्ट फॉर्मूला किसका, पावर फैक्टर का, जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, चाहे आपके कोई भी एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, एसएससी जेईएन हो, गेट हो, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनेगा था, बनता है, बनता रहेगा। क्लियर है? जी, आपको आज की इस वीडियो में, या हम हो सकते हैं कि आई हो, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।